दोस्तों, अभी अभी एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आया है। AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सर्कुलर जारी किया गया है। 13 जून 2020 यानी आज ही की तारीख में ये नोटिस जारी किया गया है। बेसिकली एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है, और ऐसे छात्र छात्राएं जो कि इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम में इस बार अपीयर होने वाले हैं, उनके द्वारा जो फॉर्म भरा गया था, अगर उसमें कोई भी एडिटिंग आप करना चाहते हैं या कोई भी बदलाव अगर आप करना चाहते हैं, तो उसको ERP के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोड नेम, ये सारी डिटेल्स आप ध्यान से चेक कर लें एक बार। इसके अलावा ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए भी ये नोटिस है कि वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं ERP के माध्यम से। सिलेबस में सब्जेक्ट कोड्स को ज़रूर आप लोग ध्यान से देख लें और सही सब्जेक्ट कोड को ही आप इसमें अप्लाई करें। जहां तक इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात है, तो 13 जून 2020 यानी आज ही की तारीख से आने वाले 7 दिन यानी कि 20 जून 2020 शाम 5 बजे तक आप एग्ज़ाम फॉर्म भर भी सकते हैं, और उसमें अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ERP के माध्यम से। ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप जितना जल्दी हो सके कर लें, क्योंकि AKTU की ERP अक्सर हैंग हो जाती है और कई बार इसकी वजह से कैंडिडेट्स अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो लास्ट टाइम पर कोई भी परेशानी ना आए, इससे बेहतर है कि आप आने वाले ही 2-3 दिन के अंदर इस काम को ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, ये थी अपडेट जो कि आज जारी की गई है, इम्पॉर्टेंट अपडेट। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।